ग्रेजुएशन करने वर्धा गए और रितिका को फर्स्ट टाइम देखा, तब उसकी एक्सप्रेसिव आंखें और उसकी स्माइल देख के मैं एकदम फ्लैट हो गया। तो जैसे उसको फर्स्ट टाइम देख के लगा कि नहीं, ये लड़की है जिसको मैं इतने सालों से मतलब ढूंढ रहा था, या जो तस्वीर मेरे दिमाग में थी। मेरे साथ जो मेरी कॉपीज है उसने कहा कि नीचे डिपार्टमेंट में एक सीनियर को जानती है और वो हमको गाइड करेंगे। कहा चल चलते हैं, नीचे का ही डिपार्टमेंट है। हम लोग नीचे गए तो उसने अपने सीनियर से मिलाया, तो उसके सीनियर ने कहा अरे हमारे भी जूनियर्स आए हैं तो मैं आपको मिलाता हूँ। तो नचिकेत तब वहाँ से क्रॉस हो रहा था और उन्होंने आवाज़ दी है कि नचिकेत इधर आओ, और मैं दूर से देख रही थी। बापरे ही वॉज लाइक बापरे, बहुत बड़ी मूंछ थी उसकी तब। मैं पुणे आया, फिर मैंने रितिका से बात की, और फिर उसके बाद पहले मैंने मेरे घर पे प्रपोजल रखा। We came to know that he has fallen in love and somehow he could not convince his parents properly. उन्होंने obviously पहले ही इसमें reject किया, जो मुझे पता था expected. We had doubts कि is it the right thing? हम सब ने उसे बोला कि it doesn't seem right. Even I discouraged her because of some situation. Initially वो थोड़े से नाराज थे, फिर बाद में उन्होंने मुझसे पूछा जाना। Before that there were a lot of confusions, lot of misunderstanding. So we thought first let both the family come together, understand each other. और अगर ये workable हो सकता है तो वो बात करने के बाद ही पता चल सकता है। नचिकेत के पापा वर्धा आए, फिर हम गए। बहुत सुंदर परिवार निकला, बहुत समझदार सुलझा हुआ, अकेला लड़का था, बाकी सबसे मिले हम, तो हम सेटिस्फाइड हो गए। ये आज रितिका का सिलेक्शन गलत नहीं है। और फिर उन्होंने मुझसे भी कहा कि बेटा क्या आर यू सीरियस, क्या आपको सच्ची में करना है, तुम्हें लगता है तुम खुश रहोगे? मैंने कहा हाँ पापा। देयर केमिस्ट्री इज सो स्ट्रांग, उनका आपस में बॉन्डिंग इज सो स्ट्रांग that they convinced everyone and they crossed every hurdle that came across. इसके बहुत प्रॉब्लम्स थी, हमारे घर से बहुत प्रॉब्लम्स थी, इन दोनों ने बहुत पॉजिटिवली एक्ट किया, बहुत अच्छे से एक्ट करके उसको सॉर्ट करके आज फाइनली उन्होंने बहुत स्ट्रगल के बाद आज दे आर गेटिंग मैरिड। तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद नचिकेत बिहेवियर, और मैं बहुत खुश हूँ कि जो रितिका ने जो अपना लाइफ पार्टनर चुना है बहुत ही अच्छा चुना है। दिस इज वॉट वी वॉन्टेड, दिस इज वॉट वी वर लुकिंग फॉर। परफेक्ट। तो थैंक गॉड कि ये सारी चीज़ें हुई। ऑब्वियसली हम दोनों बहुत हार्डशिप से गए, लेकिन वो चीज़ की वजह से सॉरी वो चीज़ की वजह से जो बॉन्ड था या प्यार था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। सॉरी। Your empty hands in mine, and scars, show me all the scars you hide. And hey, if your wings are broken, please take mine so yours can open too, 'cause I'm gonna stand by you. आई एम रियली मिसिंग यू, आज हमारी शादी है, उसके बाद हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, तो मुझे मिसिंग वाला फंडा इसके बाद यूज़ नहीं करना पड़ेगा जो पिछले 6 सालों में हुआ है। सो प्लीज़ जल्दी आ जाना रेडियो के, आई एम ऑलमोस्ट रेडी। I'm gonna stay.
I'm gonna stand by you.